क्या व्यू है टेंपल के ऊपर से, बहुत मस्त व्यू है। चलो आप कुल्लू घूमते हैं। विंडो पे फॉग हो गया है पूरा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। हेलो, कैसा काय केम छो, सब मस्त? अपन भी मस्त। आज हम लोग जा रहे, बता किधर जा रहे? आज जा रहे हम कुल्लू। कुल्लू जा रहे, 45 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मनाली से। और मणिकरण भी जाएंगे शायद, तो मंदिर है वहाँ पे, तो फेमस मंदिर है, वहाँ पे जाके भी आएंगे। सो आओ मिलते हैं। आज ब्रेकफास्ट में पोहा, रोटी, दही, ब्रेड बटर और बटर ब्रेड, और ये है कॉफी और वो चाय। ब्रेकफास्ट करके हो गया हम लोग का। अभी कितने दिनों बाद पहली बार धूप आ रही है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर ठंडी फिर भी है। लोग पैसे तो बहुत लाए थे, पर ये जगह ही ऐसी है कि पैसे ख़त्म ही हो जाते, तो अब ATM से निकालेंगे पैसे, फिर करेंगे फिर से इंजॉय, क्योंकि इधर आओ तो पैसे मत गिनो, उड़ाते जाओ। हम लोग की कार आ गई है, हमारी कार आ गई है। बाजू में खाड़ी है, ऊपर से ऐसा रोड है, फटी पड़ी है एक। अबे आता नहीं है तो मत करना। वैष्णो टेंपल पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे पीछे है वैष्णो टेंपल और यहाँ पे रिवर है, ये कुल्लू का रिवर है। ये मंदिर का एंट्रेंस है। ये ट्राई करेंगे निकालने का, नहीं निकाल पाए तो सॉरी। मंदिर का टॉप फ्लोर है, यहाँ से पूरा ये व्यू है। वहाँ पे देखो रिवर राफ्टिंग कर रहे। ये एक गुफा है जहाँ पे हम लोग को जाना है अंदर से क्रॉल करके, और अंदर ना एक पंडित जी और भगवान है, जाके देखते हैं अगर निकाले में तो निकालेंगे, वीडियो नहीं तो फिर नहीं निकाल सकते। हम लोग को अंदर वीडियो निकालने नहीं मिला, तो अब ये बाहर का है व्यू, देख लो। फोटो लेना अलाउड नहीं है इधर, चिल्ला रहे सारे। काली माता, क्या व्यू है टेंपल के ऊपर से, बहुत मस्त व्यू है।
मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है, नाइस टेम्पल। अभी हम मंदिर जाके आए, वहाँ पे अलाउड नहीं था निकालने के लिए वीडियो, तो अभी हमने कैसे कैसे करके थोड़ा बहुत निकाला हम लोग ने। और एकदम टॉप पे ना शिव जी की गुफा थी, वो फुल टू फुल रियल थी, आप देखते ना बहुत मस्त। हम लोग मतलब वहाँ पे तो स्ट्रिक्टली अलाउड ही नहीं था, उन लोग ने बोला कि फोन ही पॉकेट में रखो। गुफा में ऐसे बहुत सारे दिए लगे थे और एक क्या था वो, किसका मूर्ति था, शिव जी का मूर्ति था, शिव जी का मूर्ति था, उस पर पूरा एक एक बॉटल तेल डाल रहे थे। वैसा आप मत करना, तेल वेस्ट नहीं करना है तो करो। बहुत अच्छी जगह थी, अब हम नीचे आ गए, अब देखते हैं। इतना नल्ला रिवर राफ्टिंग है ना, तो हम लोग ने सोचा कि नहीं करें, हम लोग करने वाले थे, पर ये इतना स्लो जा रहा है तो मतलब नहीं है रिवर राफ्टिंग का, बोटिंग जैसा हो गया है, तो इसके लिए हम लोग नहीं कर रहे। अभी मैं रिवर के बीच में तो नहीं, पर थोड़ा अंदर बैठा हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या बोल रहा था कि आज के ब्लॉग में ना कुल्लू में फ़िलहाल ठंडी है ही नहीं, तो और हम लोग एक जगह जाने वाले थे, वो थोड़ा कैंसिल सा हो गया। मोनिस्ट्री है ये, मोनिस्ट्री मेरे को मालूम नहीं असली नाम क्या है इसका, बोला नहीं जा रहा है, मेरे से ड्राइवर कुछ बोला समझा नहीं। चलो जाके देखते कैसा है, कैसा ये वाला खोल रहे अपने लिए। ओ नेपाली लोग भरे। स्कूल स्कूल है, स्कूल इन लोग का स्कूल है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, गूगल पे डालो ये, मालूम पड़ जाएगा क्या है। शीशे बंद करो, खोलो खोलो साइड में। ठीक है भाई लोग और बहन लोग, तो अभी शीशा बंद करते हुए उन लोग जा रहे हैं राव की वाटरफॉल की तरफ। ये ब्रिज पे से जाएंगे और राव की वाटरफॉल आएगा थोड़ी देर में, फिर देखते हैं राव की। तो अभी हम लोग पहुंच गए रावगी वाटरफॉल। ये किधर गया, ये उधर गया, इधर है इधर, ये देखो रावगी वाटरफॉल, रावगी वाटरफॉल है ये। इतना कुछ खास नहीं है पर ठीक है, टाइम पास करने लायक जगह है, तो चले दिखाते हम। हाँ ये रावगी वाटरफॉल, और वो दिखा, वो देख
सामान ऊपर नीचे लाने के लिए वो उन लोग ने बनाया है। नफरत हो गई है अब लग रहा है। सो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये रास्ता है वाटरफॉल का। ये वाटरफॉल बहुत ऊपर आता है बट ऊपर जाने का इतना रास्ता नहीं है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं। भैया फोटो खिंचा लो। ना पापा ना, इतना कुछ खास नहीं है ये, और पानी भी इतना फटाफट। तो अभी हम जा रहे हैं, बस बस आज के लिए बस इतना ही काट डाल। ठीक है चलेगा। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग। मजाक कर रहा था अभी और है और है भाई, और आगे जाएंगे। देखो देखो मजा आएगा भैया। अभी हम आर्ट म्यूजियम आए हैं, यहाँ से उसका रास्ता है, देखते हैं अब क्या है यहाँ पे। आओ निकोलस करके एक बंदा था, वो बोलते हैं आर्टिस्ट ये सब था, तो इतना मेरे को नॉलेज नहीं है तो जज मत कर। आप गूगल कर लो। हाँ तो जज मत करना, गूगल पे है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन। उसका एक बहुत अच्छी चीज़ इधर है, बताता हूँ मैं। ये वो कार है उसकी, क्या कार है यार, मैं तो सीधा। अभी जा रहे हैं हम लोग रोरिच के यहाँ पे, जो वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। ओहो म्यूजिक प्ले हो रहा है इधर, ये सब उनकी फोटो है, बहुत सारी है यहाँ पे। जिसकी आपने कार देखी ना वो ये थे। हाँ और ये हीटर होता है जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है इधर। अभी नीचे के तरफ जा रहे हैं, नीचे उनकी समाधि है, तो देखते हैं। यह है उनकी समाधि, इधर कुछ लिखा है जो कि अभी दिख नहीं रहा है बराबर, और मेरे को हिंदी पढ़ने भी नहीं आती है, तो अनोप पढ़ेंगे। पढ़। इस स्थान पर 15 दिसंबर नहीं मालूम नहीं हो रहा है किससे पढ़ना, तो क्योंकि साफ साफ दिखाई दे नहीं रहा हो। दिखाई दे रहा है साफ। अच्छा। तेरे को पढ़ने नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, जाते हम लोग आगे। चल चल के थक गया हूँ मैं। अभी जा रहे हैं हम लोग मेन आर्ट गैलरी में, आर्ट गैलरी गैलरी। तो हम आर्ट म्यूजियम के अंदर गए थे, पर वहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था तो हम लोग ने नहीं लिया। बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज उनने बनाए थे, सारे हिमालयन, फिर लद्दाख, ये स्पीटी वैली, ये सब के उनने जो है क्या बोलते ड्राइंग बनाए थे। अंदर उनका टेबल भी रखा था जिसपे वो बनाते थे। बहुत अच्छा था यार, काश दिखा पाता मैं, पर अलाउड नहीं था। तो हम लोग कब का बोल रहे थे कि ये इधर है, पर अब मालूम पड़ा कि ये जो है घर है पूरा, ये पूरा इनका घर है, इनके घर के अंदर ही पूरा म्यूजियम बनाया है। तो अभी उनके मेन घर में जा रहे हैं हम लोग, दिखाते हैं। नो एंट्री इनसाइड द रूम्स, सी हाउस थ्रू विंडोज। तो हमें विंडोज से देखना पड़ेगा घर इनका। ये उनका घर है, ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि हम खुद नहीं जा पा रहे अंदर। तो इधर बोला गया है कि इधर साइलेंस रखना है, तो स्लो बात करेंगे। ये शायद बेडरूम है, ये
ऐसे कुछ पिक्चर्स बनाए थे उनने आर्ट गैलरी में, अंदर तो नहीं दिखा पाए, इधर से थोड़ा दिखा देता हूँ। और ऐसा बालकनी भाई मेरे को मिल जाए ना, मज़ा आ जाए। मेरे को लगता है ये वो जगह है जिधर ये लिखते थे सारा कुछ, तो काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है इन लोग ने अभी तक। ये हॉल होगा शायद, ये ऑफिस है। सो अभी हम यहाँ पे जाके आए, अब हम जा रहे हैं यहाँ पे। सो लेट्स गो। ये आर्ट म्यूजियम, चलना बहुत है भाई इधर। अनूप के तो लग गए, मेरे लगे नहीं है। ये सब क्या है? What is this? ओहो, ये तो लैब लग रहा है इनका। ये सब मुझसे नहीं बोला जा रही है। वो अभी वो फूड ले रहा है, उसने ना अभी पीछे से छोटा वाला 10 रुपए में लिया और यहाँ पे उससे बड़ा और 10 रुपए गए। देखो वो अपना नसीब होता है, इसे कहते हैं बेवकूफ आदमी। हम खा रहे मोमोज और एक पराठा। मोमोज नहीं बेटा, तो मोमो मोमो। पराठा है जो उसकी भाजी है, हम लोग को लगा नहीं था इतना अच्छा होएगा, पर बहुत मस्त है। आज का दिन बहुत लंबा था, बहुत ट्रैफिक था रोड में। हम लोग 2-3 घंटा तो ट्रेन गाड़ी में बैठे थे, तो बहुत लंबा दिन था। और हम लोग क्या है, ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत जगह पे कैमरा अलाउड नहीं थे। ठंडी बहुत है यार। और कैसा है कि जो हम लोग देख पाते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं सब शूट करने का, पर कुछ कुछ रह जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करना। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा देना जरूर जरूर। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय। दरवाजा खोल भाई, बहुत ठंडी है। तो अभी हम लोग होटल में आ गए। आ गए। तो अभी है ना हम लोग सच्ची के होटल में आ गए हम लोग। रुका अभी बोल। बैठ गया।